ये इसका एक जो मटेरियल है वो कारपेटिंग मटेरियल होता है, और इसके अलावा कारपेटिंग मटेरियल के साथ आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत नाजुक होते हैं। इसके नॉब से इस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड पर तो सॉफ्ट वॉश आ जाएगा। वेलकम टू माई चैनल व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम यूज़ करने लगे हैं अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन HWM 1201678। वॉशिंग मशीन का मॉडल नंबर है और इसके अंदर हम वॉश फंक्शन यूज़ करने लगे हैं सॉफ्ट वॉश, और सॉफ्ट वॉश के अंदर हम जो है जो लॉन्ड्री हमारी है वॉश करने के लिए वो है एक जानमाज। यानी कि आप एक जानमाज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कौन से फंक्शन पर वॉश करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं आज की वीडियो में। ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मैं अपनी डेली रूटीन में से आपके लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। तो इसी तरीके से आप मुझे पसंद करते रहें, कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। बस ये मैंने लिया है एक अदद जानमाज, आप ये देख सकते हैं। ये इसका एक जो मटेरियल है वो कारपेटिंग मटेरियल होता है, और इसके अलावा कारपेटिंग मटेरियल के साथ आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत नाजुक होते हैं। आप इसको जब वॉश करेंगे तो ये निकलने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, और इस वजह से हम इसको आज इस कारपेटिंग कहने को तो कारपेटिंग मटेरियल है लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, बस डस्ट होती है इसके अंदर। इसके अलावा तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। तो अब इनके कारपेटिंग मटेरियल की वजह से और ये जो इनके टसल्स वगैरह लगे होते हैं इसकी वजह से जो है आज मैं इसको सॉफ्ट वॉश के अंदर वॉश करूंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने खोल कर डालना है। देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, अगर आप अपनी लॉन्ड्री जो भी आप इसके अंदर वॉश कर रहे हैं अगर आप खोल कर डालेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जी बार बार रिंस पे जा रहा है या बार बार स्पिन पर जा रहा है। कि हम इसके डिटर्जेंट ड्रॉअर में इसका डिटर्जेंट डालेंगे। डिटर्जेंट डाल दिया है और अब हम मशीन करने लगे हैं क्लोज। इसके लिड को हमने क्लोज कर दिया है, स्विच बटन हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसका पावर बटन ऑन करेंगे। अच्छा, पावर बटन ऑन करने के बाद आपने इसके नॉब से इस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड पर तो सॉफ्ट वॉश आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं, इस तरफ हैं तो कॉटन है और इस तरफ कहेंगे तो सॉफ्ट वॉश आ जाएगा। अब ये सॉफ्ट वॉश है, हम इसमें सॉफ्ट वॉश में इसको वॉश करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो है 42 मिनट दिखा रही है टाइम वॉशिंग मशीन सॉफ्ट वॉश में। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है इसका वाटर लेवल हमने मिड ही रखना है ताकि हमारा जानमाज बड़ा है वो अच्छे से वॉश हो। व्यूअर्स, सॉफ्ट वॉश फंक्शन सेलेक्ट जब आपने किया है तो आप यहां देख सकते हैं कि इसका जो वॉश टाइम है आप स्पिन और रिंस जो है बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन ने अपने अंदर टाइमर रखा हुआ है और उस टाइम पर जो है वॉशिंग मशीन अपना वॉश कर देती है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं इस टाइम से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे और ज़्यादा टाइम इंक्रीज़ करना है, तो आप सिंपल कॉटन के अंदर वॉश इसका ओनली साइकिल करके आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ सॉफ्ट वॉश में वॉश करने जा रहे हैं अपना जानमाज, और इसमें हम वॉश रिंस और स्पिन से बिल्कुल एग्री हैं कि 2 टाइम रिंस और 4 टाइम स्पिन है और उसमें वाटर लेवल मिड है। व्यूअर्स, सॉफ्ट वॉश का हमने यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लिया और इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि 42 मिनट जो है हमने किस टाइम से लेकर स्टार्ट किया था और एंड इसका कब हुआ है, और मैं आपको बता दूंगी इजिली कि इसका वॉश साइकिल कितना इंक्रीज हुआ है। व्यूअर्स, सॉफ्ट वॉश में आप देख जैसा कि देख रहे हैं वॉशिंग मशीन जो है बहुत स्लोली जो है वो वॉश कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सॉफ्ट वॉश ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उसमें वो कोशिश यही करेगी कि आपने जो भी लॉन्ड्री या जो भी उसके अंदर डाला है वॉश करने के लिए वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसका वॉशर जो है अब उसे वॉश कर रहा है। इसकी आवाज़ भी बहुत हल्की हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वॉश या हैवी वॉश।
ये देखें व्यूवर्स कितने अच्छे से हमारा सॉफ्ट वॉश में जानमाज जो हमने वॉश किया था कितने अच्छे से वॉश हुआ है, कारपेटिंग इसका मटेरियल था। और ये देखें बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, इसीलिए जो है हमने सॉफ्ट वॉश में वॉश किया था और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि सॉफ्ट वॉश में आप किस तरह के कपड़े जो है वो वॉश कर सकते हैं और जो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और फेसबुक पर भी। इसके अलावा कोई और रिक्वेस्ट आप करना चाहते हैं कि हम आपको आगे क्या सिखाएं, किस तरह की वीडियो बनाएं, तो काइंडली आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो से अपडेट रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।